तरुण स्कूल के इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक के साथ, एंटोनिम्स से अपोजिट्स पार्ट सेकंड। लास्ट वीडियो में हमने विलोम शब्द बनाने के कुछ नियमों के बारे में अध्ययन किया। अब उन्हीं नियमों के आधार पर और विलोम शब्द बनाते हैं और अपने अभ्यास को आगे बढ़ाते हैं। डिस उपसर्ग से बनने वाले विलोम शब्द, अपीयर यानी सामने आना, डिसअपीयर यानी गायब होना, ऑर्डर यानी व्यवस्थित, डिसऑर्डर यानी अव्यवस्थित, ऑनर यानी सम्मान और डिसऑनर यानी हो गया अपमान। नंबर टू, इम प्रीफिक्स से बनने वाले विलोम शब्द, आई एम लगा करके बनाए जाने वाले विलोम शब्द। एग्जांपल्स, मोरल यानी नैतिक, इमोरल अनैतिक, प्योर शुद्ध, इम्प्योर अशुद्ध, बैलेंस संतुलन, इम्बैलेंस असंतुलन। इस प्रकार आई एम इम उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाए जाते हैं। आई एन इन उपसर्ग से बनाए जाने वाले विलोम शब्द इस प्रकार हैं। एग्जांपल्स, फॉर्मल औपचारिक, इनफॉर्मल अनौपचारिक, सिक्योर सुरक्षित, इनसिक्योर असुरक्षित, विजिबल दिखने वाला, इनविजिबल अदृश्य। मिस उपसर्ग लगाकर बनाए जाने वाले विलोम शब्द इस प्रकार हैं। एग्जांपल्स, फॉर्चून भाग्य, मिस फॉर्चून दुर्भाग्य, बिहेव अच्छा व्यवहार, मिस बिहेव दुर्व्यवहार, कैलकुलेट गिनना, मिस कैलकुलेट गलत गिनना। इस प्रकार मिस उपसर्ग लगा करके विलोम शब्द बनाए जाते हैं जो हमने अभी जाने हैं। अन उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाना। एग्जांपल्स, अवेलेबल उपलब्ध, अन अवेलेबल उपलब्ध नहीं होना, पॉपुलर प्रसिद्ध, अन पॉपुलर बिना प्रसिद्धि वाला। इस प्रकार यू एन अन उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाए जाते हैं। आई एल इल उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाना। एग्जांपल्स, लॉजिकल तर्कयोगी, इलॉजिकल अतार्किक, लीगल कानूनी और इलीगल गैर कानूनी। इस प्रकार आई एल इल उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाए जाते हैं। एन ओ एन नॉन उपसर्ग लगा करके विलोम शब्द बनाना। एग्जांपल्स, रिलीजियस धार्मिक, इसका हो जाएगा नॉन रिलीजियस यानी बिना धार्मिक प्रवृत्ति वाला। स्टैंडर्ड यानी स्त्रीय, नॉन स्टैंडर्ड यानी होता है बिना स्त्र वाला। इस प्रकार नॉन एन ओ एन उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाए जाते हैं। आई आर इर उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाना जो इस प्रकार हैं। रिस्पॉन्सिबल यानी जिम्मेदार, इसमें आई आर जुड़ेगा, इर रिस्पॉन्सिबल गैर जिम्मेदार। रेगुलर यानी नियमित, इसमें आई आर जुड़ेगा, इर रेगुलर अनियमित। इस प्रकार आई आर उपसर्ग लगाकर विलोम शब्द बनाए जाते हैं। यदि किसी शब्द के अंत में फुल लगा हो तो उसको हटाकर एल ई डबल एस लेस लगा करके विलोम शब्द बनाते हैं। एग्जांपल्स, हार्मफुल यानी नुकसानदायक, इसमें लेस जुड़ जाएगा, हार्मलेस बिना नुकसान वाला। इसी प्रकार कलरफुल रंगीन और कलरलेस रंगहीन। इस प्रकार एफ्यूमल फुल को हटाकर उसकी जगह एल ई डबल एस लेस जोड़कर विलोम शब्द बनाते हैं। कुछ विलोम शब्दों को पूर्णतः बदलकर उनके विलोम शब्द बनाए जाते हैं जो इस प्रकार हैं। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, इसका एंटोनिम हो जाएगा वीक यानी कमजोर। ड्राई, ड्राई यानी होता है शुष्क या सूखा, इसका हो जाएगा वेट, आद्र या गीला। अबसेंट यानी अनुपस्थित, प्रजेंट यानी उपस्थित। इंटेंशनल यानी जानबूझकर किया हुआ, इसका अपोजिट हो जाएगा एक्सीडेंटल यानी आकस्मिक। रिफ्यूज, रिफ्यूज यानी मना करना, एक्सेप्ट यानी स्वीकार करना। इस प्रकार बहुत से शब्द ऐसे हैं जिनके मूल शब्द को पूर्णतः बदल करके विलोम शब्द बनाए जाते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो,
तो लाइक करना ना भूलें, लाइक अवश्य करें। इसी प्रकार के वीडियो निरंतर देखने के लिए हमारी YouTube चैनल तरुण स्कूल PKD को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार के लोगों का स्वास्थ्य का ध्यान अवश्य रखें।